से तो जीतने के बाद किक करने का खिलाड़ी आते हैं इस किक के रंगलाल मुर्मू हमेशा पहला किक लेते हैं अपने टीम के लिए। आज भी वही अपना दारमदार संभालते हुए रंगलाल मुर्मू पूरी तरह से गेंद को सजाते हुए पहला किक है तूफान स्पॉटिंग की ओर से। जी बिल्कुल, सेकंड राउंड का पहला मैच के लिए ऋषभ स्पॉटिंग चांडिल मोदडी आप लोग चले आएंगे। आपका जो विपक्षी दल है ओपोनेंट टीम है वह आ चुकी है हमारे बीच, आप लोग भी अति शीघ्र आएंगे। ऋषभ स्पॉटिंग चांडिल मोदडी बिल्कुल जल्दी कीजिएगा, टीम के टीम कप्तान आपकी प्रतिद्वंदी टीम ओपोनेंट टीम आ चुकी है। इस बीच एक और जहां रंगलाल नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर खेल के दौरान कमाल का प्रदर्शन किए है लखी, इस बार बेहतरीन की हालांकि लखी समझ चुके थे परंतु गेंद में इतनी गति थी कि पूरी तरह से गोल जाल में उलझी। इस तरह से पहला किक के को गोल सोनम के चकमा देने में कामयाब तरुण महतो। इस तरह से दूसरा किक लेकर आए हैं तूफान स्पॉटिंग की ओर से लक्ष्मण होंगे, लक्ष्मण सरदार पूरी तरह से गेंद को सजाते हुए लक्ष्मण, ये दूसरा किक होगी। और इस बीच हमारे इस मंच पर जो भी जाने अनजाने में ऑडियंस आप लोग आ गए हैं कृपया आप लोग खाली कर देंगे। इस बीच बचाओ बहुत ही जबरदस्त चीते की तरफ छलांग लगाकर इस गेंद को बचाने में सफल लेने में इस मंच तक पहुंच गए हैं ऑडियंस साथी, कृपया आप लोग जगह को खाली कर देंगे। कृपया आप लोगों से गुजारिश है, आपसे नर्म निवेदन है, जाने अनजाने में कोई भी ऑडियंस अगर आप लोग मंच तक आए। दूसरा किक बहुत ही बेहतरीन किक, लाजवाब किक, और पर गुजू के द्वारा लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन खेलने के लिए इंद्रजीत को जाना जाता है और खासकर टाइबेकर के लिए पेनाल्टी शूटआउट के लिए स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बहुत ही सूझबूझ बड़े किक लेते हैं इंद्रजीत उर्फ गुजू, हालांकि आज बहुत बड़ी चुनौती होगी लकी के सामने। बिल्कुल काफी हौसला बुलंद है लकी का, खेल के दरमियान में कमाल का प्रदर्शन इनके द्वारा देखने को मिला है। इस बीच जमीनी रूट का इस्तेमाल अक्सर सफल होता हुआ नजर आता है, मैडम का आगमन होने वाला है आज के इस दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के स्थान। आप सभी दूर दराज से आने वाले तमाम दर्शकों का और आरके ब्रदर्स एक फुटबॉल हमारे इस मारांग गुरु मार्शल गांव का सालगाड़ी को डोनेट किया है। आर के बर्दर के तमाम उनके आए हुए आर के बर्दर्स के तमाम साथियों का हम स्वागत। बबलू दोनों सौरम होंगे, बिल्कुल दोनों सोरेन ने पूरी तरह से चौथा किक के लिए पूरी तरह से तैयार। बेहतरीन किक जरूर थी, गोल पोस्ट
के ऊपर टकराते हुए इस तरह से हर गेंद को जज करते हुए लखी की जितनी कमाल का प्रदर्शन किया है इस तरह से बेहतरीन केक के लेने के लिए जाने जाते हैं। वही बबलू बेहतरीन गोलकीपर बिल्कुल बेहतरीन केक नतीजा गोल ठीक लिए जाएंगे। पांचवा केक होगी तूफान स्पॉटिंग की ओर से। इस बार बेहतरीन केक नतीजा गोल में तब्दील इस तरह से पूरी तरह से छोटी ना तो एक कमाल का कीक बहुत ही बेहतरीन कीक जमीनी कीक इस तरह से गोलकीपर लगी आपको द्वारा दर्शकों का दिल आपने जीता लगी गोलकीपर सौरभ।